गारोबरा ग्राम पंचायत के उद्योग से नेशनल न्यूट्रिशन मंथ पालन किया गया। भातखावा चाय बागान के जसपुर लाइन मैदान के एसएसके स्कूल में सहयोगी के रूप में सिनी संस्था के प्रतिनिधि प्रिया हल्दर, पायल हल्दर, सीमा प्रधान, विमान शर्मा, मुख्य अतिथि के रूप में बिंदिया लामा, पंचायत सदस्य कमल ओराव, जिमी केरकेटा, आशीष एक्का, नारी और शिशु उन्नयन ग्राम पंचायत कर्मोदक कमल महाली, आशा कर्मी, ICDS कर्मी के साथ साथ गर्भवती और धात्री माता भी उपस्थित रही। गारोपड़ा ग्राम पंचायत प्रधान बिंदिया लामा ने सभी लोगों को धन्यवाद दिए और स्वस्थ में खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी दिए। इसके साथ ही सिनी कर्मी प्रिया ने विभिन्न खेल द्वारा न्यूट्रिशन की आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में जानकारी दिए, जिसमें गारोपड़ा के विभिन्न महिलाओं ने भाग लिया। গারোপাড়া জিপির আন্ডারে ভাত খাওয়াতে প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করা হয়েছিল। এখানে আমাদের মেন উদ্দেশ্য ছিল যেহেতু সব জায়গায় সবাই পার্টিসিপেট করতে পারে, মাদের জন্য কোনো বিশেষ কোনো ইভেন্ট হয় না, মাদেরকে কোনো জায়গায় পুরস্কৃত করা হয় না, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা নতুন উদ্যোগ নিয়েছিলাম এখানে, যাতে মাদেরকে নিয়ে খেলা যায়, মাদেরকে দিয়ে খেলানো যায়। আর সমস্তটাই নিউট্রিশন রিলেটেড কোশ্চেন অ্যান্সার এবং সাথে ছিল কিছু খেলা, সেগুলো এখানে ছিল। আমাদের গারোপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান ICDS এর অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা এবং হেল্পাররা, সাথে SSK দিদিমণিরাও ছিলেন, স্টেফেল গ্রুপের কিছু মেম্বার এসেছিলেন, প্রেগনেন্ট মা, ল্যাকটেটিং মা ছিলেন, আর এখানে যারা পার্টিসিপেট করেছিলেন সবটাই তারা মাদার ছিল, বিভিন্ন ICDS সেন্টার থেকে যারা এসেছিল। আমার গারোপাড়া জীবিকা প্রধান সাহেব আয়ে থি, हमें खबर भी मिला था कि यहाँ प्रोग्राम सिनी के माध्यम, जो सिनी एक संस्था है, तो खान पान के बारे में विशेष रूप से महिलाएं, प्रेगनेंसी महिलाएं और बच्चों के माँ जो मादर्स जो है, इन सभी को लेकर ये आज का प्रोग्राम किया गया, जिसमें विशेष रूप से हेल्थ के बारे में इसमें जानकारी दी गई, खाना पीना किस तरह से होना चाहिए, बच्चों को किस तरह से साफ सफाई रखना चाहिए, किस तरह से माँ को अपना शरीर के ख्याल रखते हुए बच्चों को ख्याल रखना है, इस सारे विषय पर आज का चर्चा होगी। हाँ, इसमें गेम भी किया गया और सभी आशा कर्मी, ICDS वर्कर्स, ये सभी ने भारी संख्या में यहाँ आज अपने भाग लिए और गेम के माध्यम से भी समझाया गया खान पान के बारे में, तो गेम भी हुए यहाँ महिलाओं को उत्साहित करने के लिए और उनका जीवन में किस तरह से संचालन करना है जीवन को, इस विषय पर गेम के माध्यम से भी समझाया गया।